आप ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूर्वांचल की पॉलिटिक्स वेस्ट और सेंट्रल की पॉलिटिक्स से आपको क्यों लगता है कि अलग होगी, और उसमें किसको आप फायदा मिलता देख रहे हैं? देखिए, पूरे पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक जब आते हैं तो मुद्दे अलग अलग हैं और कम्युनिटी बेस्ड अलग अलग मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक व्यूहरचना रची थी वो फेल होते गए। आज जैसे आप अभी कह रहे थे कि यहाँ पे जिन्ना का कोई मामला नहीं है, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, बढ़ती हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध, ये पूर्वांचल की जो आज जो माफियाओं को कांग्रेस भ्रष्टाचार पे बात कर रही है। 70 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है और इनके नेता राहुल गांधी बैंक का लूटा गया। संकेत जी, इनके नेता राहुल गांधी जो है कोयले का लूटा गया, ये कहते हैं दूसरी ये कहते हैं हिंदू और हिंदू तो अलग अलग है। अब सुन लीजिए, हमको तो हिंदुस्तान के सबसे नादान नेता लगते हैं। मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी आज अलग है। आज सुनने का पेशेंस रखिए। इनका दो उदाहरण बताऊ, 6 महीने के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में चुनाव लड़ते हैं तो कही जाती है अब की बार धामी सरकार, और 5 साल का मुख्यमंत्री अभी इन्होंने चलाया था पहले भाजपा सरकार, भाजपा सरकार अब योगी सरकार। आज योगी आदित्यनाथ को खुद ये चुनाव इनका चुनाव उत्तर प्रदेश में है वो अकेले संजीव चर्चा कर रहे हैं। कल को अगर फेलियर हो तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर अमित शाह मोदी चल। आज 300 सीटें उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही हैं और आप बनारस में मित्र हैं, हम लोग मिले 10 तारीख के बाद। 1000 करोड़ रुपए बैंक का लूटा और समाजवादी पार्टी 6000 करोड़ रुपया कोयला का लूटा। इससे पहले मनोज जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, आप बहुत देर से कुछ बोल, आपको लग रहा है कि ये जो जातीय गणित और ये सब जिसके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रसिद्ध है, आपको लगता है कि यही इस बार भी हावी होंगे, या इस बार वाकई बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि सरकार को चोट पहुंच सके? ये खास करके मैं यूपी में देखता हूँ तो यहाँ जातीय जो जातीय समीकरण है इस पर हर पार्टी ज़्यादा मतलब फोकस करती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुद्दा हावी रहता है। अगर ये अगर मुद्दा हावी अगर रहता तो मतलब 2017 में भी मतलब मैं अगर ये देखा जाता तो चीज़ें कुछ और होती। तो आज क्या है ना कि जॉब पे मतलब कोई भी पार्टी कंसर्न नहीं है, चाहे अगर मैं कांग्रेस का देखूं अगर राजस्थान में, तो उस राजस्थान में कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जॉब क्रिएशन किया। और उत्तर प्रदेश का भी भैया 4.5 लाख, अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ 4.5 लाख। आप बताइए कि 21 करोड़ का पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, 4.5 लाख कितना परसेंट होगा, आप एक बार काउंट करके देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।